Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexterous Zone, and today I'm gonna solve exercise H of equation chapter for CA foundation, of course math papers. तो जैसे कि हम जानते हैं कि math के paper में जो equation chapter है उसकी exercise number H उसको solve करते हैं. काफी बच्चों ने कहा है कि इसको सर solve करा दीजिए, तो चलो solve करते हैं, देखते हैं कि क्या है. चलो तो question है हमारा, पहले हम अपना स्क्रीन देखते हैं. ठीक है, दिस इज ओके. सो सॉल्यूशन नंबर वन, राइट, व्हाट इज इट सेज, कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर इज एट. सम क्या है, एट है, और उनके स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम जो है कितना है, 34 है. सो टेकिंग वन नंबर एक्स इतना, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स इतना. ओके, सो देखो ये आपके आंसर दे रखे, तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, यानी कि ऑप्शन से सोल्व करेंगे, ज्यादा इजी है. तो देखो कह रहा है एट है दोनों के नंबर, तो ये सारे जो होंगे, पहले तो सबसे पहले देखो दोनों नंबर का जो सम है वो एट है, तो एट कौन सा है इसमें, ये एट है क्या इनका सम, ये है एक तो एट, और एक ये एट है, और ये भी एट है, तीनों एट है, तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया. अब कह रहा है कि उनके स्क्वायर का सम देखो 34 आना चाहिए, स्क्वायर का सम, तो चलो 4 × 16, 4 × 16, 16 × 16, 32, ये भी नहीं है. ठीक है, अब ये बचा 3 × 3 = 9 and 5 × 5 = 25. आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9, ये कितना हो जाएगा मेरा 25, सो इट विल बिकम बेसिकली 34. सो यस, यही तो मांग रहा है वो कह रहा है कि सम 8 होना चाहिए और 34 स्क्वायर, तो हो गया, तो मेरा क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन नंबर दो पे नजर डालते हैं गाइस, क्या बोल रहा है वो. सॉल्यूशन कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इंटीजर इज 3 एंड सम ऑफ देयर, बिल्कुल सेम है, है ना, तो चलो कर लेते हैं. डिफरेंस 3, तो 4 × 3 = 7, 3, सब में 3 का डिफरेंस है. अभी स्क्वायर को हमें देखना है कि दोनों में स्क्वायर करके इतना आ जाना चाहिए, जिसमें भी स्क्वायर इतना आ गया तो समझ लो. इसका करते हैं हम पहले 7 × 7 = 49, 4 × 16 = 16 और 49, नहीं ये नहीं है, 5 × 5 = 25, 8 × 64 = 64 + 10 = 74 + 10 = 84 + 5 = 80 हो सकता है क्या, एक मिनट कैलकुलेटर यूज करता हूँ. 8 × 64 + 25, हाँ यही है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका हो रहा है भाई. गाइज आप देखो, चलो फटाफट देखते हैं, 5 और 8, सो 5 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 89, और 5 और 8 में डिफरेंस कितना हो गया 3 का, तो 3 और 89 दोनों मैच करें, 3 और 89 दिया, तो बी ऑप्शन हो गया. तीसरा, 5 टाइम ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर है और इज बेसिकली 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द नंबर इज ओके. सो एक काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइस. सॉल्यूशन थ्री में लेट द नंबर बी एक्स, एक्स हो गया, एंड जो फिफ्थ टाइम अगर इसको करें हम, फिफ्थ टाइम, सो इट विल बी 5x. ठीक है, अब ये थ्री इज लेस बेसिकली देन द नंबर, देन द नंबर, नंबर से, तो सिचुएशन पता क्या होगी, एक्स इक्वल टू, हम ऐसे मान सकते हैं, एक्स था ना, एक्स इक्वल टू हम ऐसे मान सकते हैं 2x² - 3, ये हो गया. अब ये 5 टाइम लिया था हमने, ध्यान है, ये बोला उसने कि 5 टाइम, तो हम किसको बोल सकते हैं, 5x = 2x² - 3. ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसको हम इधर ले आएंगे 2x² साइड चेंज कर देंगे इक्वल टू 5x, और इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा 2x² और माइनस के 5x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया. अब इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², ये 3 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 3 × 2 = 6 हो रहा है, और 3 × 2 = 5 हो रहे हैं. ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा, या 6 बन जाए, 6 भी 6 में से 1 चला गया वो भी हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो 6 × 6 और 6 में से 1 = 5, ये भी तो बन सकता है हमारा, कोई भी फैक्टर बना लो तो, जो भी आपको अच्छे लगे. ठीक है, उतना ही आएगा आंसर, तो
सो 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0. 2x यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, x बचा माइनस के 3 और प्लस के 1 कॉमन ले लिया, x माइनस के 3 देखा इक्वल आ गए. अब इसमें क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस के 1/3 है ना, 1/3 नहीं 1/2, 1/2 और दूसरे का x इक्वल टू 3. तो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो जस्ट रिजेक्ट इट. और आंसर क्या बचा हमारा, 3 आंसर बच गया. ठीक है, सो 3 आंसर है हमारा इसका, यानी कि ए है इसका, इसका आंसर क्या है हमारा, ए है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 200 स्क्वायर मीटर. ठीक है, पैरीमीटर इज इतना और फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय, अच्छा ये फाइंड करनी है. तो गाइस बड़ा सिंपल है, लेंथ को हम एल मान लेते हैं और विड्थ को हम बी मान लेते हैं. तो हमें पता है सॉल्यूशन फोर, सो हमें पता है जो एरिया होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लंबाई इंटू चौड़ाई, दैट इज लंबाई इंटू विड्थ, ये लेंथ इंटू विड्थ हम बोल सकते हैं इसको, कितना है 2000 दे रखा है. और जो पैरीमीटर होता है दैट इज बेसिकली लेंथ प्लस के विड्थ, ये होता है एंड दैट इज गिवन बेसिकली 180 मीटर. ये हो गया हमारा. अब हमें क्या देखना है, अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा एल प्लस b is equal to 180/2, that will become basically 90. ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें दो चीजें पता चल गई, ये हो गया मेरा 2000 और ये कितना हो गया 90 हो गया. ठीक है, अब जरा इसमें देख लो भाई, ये दोनों ऐसा कौन सी, हमें क्या निकालना है उसमें, उसने बोला साइड निकालनी है साइड. तो अगर किसी की भी साइड निकाल करके, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर 2000 हो जाता है किसी भी साइड का, तो समझ लो वही होगा, है कि नहीं. और उन दोनों का जो टोटल होना चाहिए 90, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया और ये सम ऑफ द रूट आ गया. तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2000 आनी चाहिए और जो टोटल 90 आना चाहिए. तो ऑप्शन देखो, वैसे तो ये भी 90 है और ये भी यहाँ 50 और 40 है, 50 और 40 है इसके अंदर, तो 50 40 90 हो गया और कोई तो 90 हो ही नहीं रहा. तो ये 50 40 और 50 की और 40 की मल्टीप्लाई करो जरा, 2000 आना चाहिए, आ गया 2000. सो यानी कि मेरा ऑप्शन क्या है, बी है. ठीक है, सो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, बी है, बी. ठीक है, चलो सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. तो उसमें क्या बोला हुआ है, कह रहा कि टू स्क्वायर हैव साइड्स, ये भी सेम है, स्क्वायर की बात करी यहाँ, रेक्टेंगल की स्क्वायर की बात करी, एक साइड ले रखी है पी सेंटीमीटर, एक की साइड है पी सेंटीमीटर, दूसरे की साइड है पी प्लस 5 सेंटीमीटर, सम ऑफ देयर स्क्वायर दे रखा है. इतना साइड निकालना बहुत ही आसान है, जस्ट यू नीड टू पे एनफ अटेंशन. जो चलो मान लेते हैं 1 स्क्वायर साइड जो दे रखी है दैट इज पी, अदर स्क्वायर साइड जो दे रखी है वो दे रखी है मेरी पी प्लस 5. ठीक है जी, अब इसमें सम ऑफ देयर स्क्वायर्स जो दे रखा है दैट इज 625. तो हम कह सकते हैं, मैं दूसरे आगे कर रहा हूँ इसको गाइस, यहाँ पे हम कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, यस, सो हम कहाँ थे, हाँ हम कह सकते हैं इसको कि, अरे भाई क्या हो रहा है, यस, इसको अगर हम देखें सम ऑफ देयर स्क्वायर इतना हो गया, तो हम पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना पी स्क्वायर और सम करना है, तो पी प्लस 5 का स्क्वायर भी करेंगे. ठीक है, और कितना बोला है उसने, उसने बोला है ये हो गया 625. चलो इसको ओपन कर लेते हैं, तो इट विल बिकम पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर प्लस के टेन पी प्लस के 25 इज इक्वल टू 625, यही आएगा. अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 2p हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस के 10p, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम 600. ठीक है, अब 2 हम इसके अंदर कॉमन ले लेंगे, 2 अगर हमने इसके अंदर कॉमन ले लिया तो इट विल बी पी स्क्वायर प्लस के 5p और इक्वल टू 300. ठीक है, दिस इज नहीं अभी थोड़ी 300 होगा, वो तो बाद में होगा, डिवाइड में जाकर ना अब होगा, अब इधर आ जाएगा 300 हो जाएगा, है ना. अब इसमें हम डी निकाल लेते हैं, डी क्योंकि फैक्टर निकालने हमें, जैसे कि हमारी इक्वेशन बन गई ना, अब तो ये भाई, अब ये इक्वेशन बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो अब हम इसमें डी निकाल देते हैं, हमें पता है डी का जो होता है हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फैक्टर ना बनाने अगर हमें, तो हम ये निकाल सकते हैं. तो उसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25 हो गया, माइनस के 4 इंटू ए कितना है हमारा 1 है, सी कितना है हमारा माइनस के 300 है.
सो ये कितना हो गया 25 माइनस के 12, तो इट विल बिकम बेसिकली 1200, ठीक है 1200। अब इसमें से ये बड़ी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, ठीक है 1225 हो जाएगा ये डी हमारा, ठीक है जी। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारी इक्वेशन है बी माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन कितना होता है 2a होता है, तो माइनस के बी अगर हम ध्यान में रखें, बी कितना था हमारा माइनस के बी इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी ये थी इक्वेशन, तो बी हमारा क्या हो गया, बी हो गया हमारा 5p है ना, तो 5 हो गया हमारा बी, तो हम यहां रख देंगे 5 माइनस के, और पहले हम प्लस का ले लेते हैं फिर माइनस का ले लेंगे, है ना। वैसे तो प्लस माइनस होते हैं, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये कितना हो जाएगा 1225 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और ए कितना था मेरा, ए था मेरा बेसिकली 2 ही था, तो ये हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूँगा अगर, तो 1225 का मैं जो रूट निकालूंगा स्क्वायर रूट 1225, तो इट विल बी 35 बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ना प्लस में ले लेता हूँ एक बार, तो माइनस के 5 और प्लस के 35 आया रूट की वैल्यू, 2 आ गया, सो इट विल बिकम बेसिकली 30 अपॉन 2, सो इट विल बी 15। अब एक बार मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, सो इट विल बी 20, है ना। और ये क्योंकि लेंथ है तो नेगेटिव में तो लेंगे नहीं हम, इसकी लेंथ नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव में लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 15 और 20 आंसर आ गया, 15 और 20। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई, कौन सा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था ना, तो 15 20 सी आंसर आ गया गाइस इसका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट, 6 नंबर के क्वेश्चन में, 6 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। Divide 15 into two parts that the sum of their reciprocal is 1/12. Sum of their reciprocal क्या है, 1/12 है, तो आपको इस तरीके से divide करना है। So आपको देखना है कि इनका कौन से का reciprocal जो 1/12 आ रहा है, तो एक बार देखते हैं 50 का, ये सारे 50 होंगे इनका टोटल, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ तो मैं एक बार D का देखता हूँ randomly, क्योंकि ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो reciprocal basically पता है क्या कह रहा है guys? सॉल्यूशन नंबर 6 ये बोल रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/12 अगर आना चाहिए, तो कितना हो गया 50 हो गया ये, और नहीं 50 थोड़ी ना, एलसीएम लोगे 60, सो यहाँ क्या हो जाएगा 20 60 और 30 60, सो 5/60 हो गया 5, और कितना के 12, लो आ गया, रैंडमली मिल गया। अदरवाइज आपको देखना पड़ता है कि इस तरीके से कैसे आ रहा है एलसीएम। तो ये मेरा डी हो गया, इसका 6 का क्या हो गया मेरा डी आंसर हो गया गाइस, ठीक है। यस, अब चलते हैं 7 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन नंबर 7 में देखो जरा क्या बोल रहा है वो। कह रहा है टू सम्स आर कंसेक्यूटिव, देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/, सेम है बिल्कुल, सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है कि उन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल जो है यानी कि जो अभी मैंने करके दिखाया 240 आना चाहिए, तो आपको ये देखना है कि रेसिप्रोकल कितना 240 किसी का आ रहा है। तो 15/16 करके देख लेता हूँ पहले, मैं 15/16 यहाँ से शुरू करूंगा, सो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1/15 और प्लस के 1/16, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 15 into 16 हो गया मेरा 240 आ गया, लो क्या आ गया 240 आ गया इन दोनों का, और ये क्या जाएगा 60, प्लस के 15 और नहीं एक सेकेंड का कह रहा है देयर आर टू कंजुगेट नंबर्स दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, डिफरेंस की बात कर रहा है गाइस, ये बात कर रहा है डिफरेंस की, तो डिफरेंस आ गया ना,
आ गया बिल्कुल सही, यही आंसर आ गया भाई। अगर मैं क्या करता हूँ डिफरेंस की बात कर रहा ना, तो ये 15 माइनस के 16 और अगेन ये 240 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस के 15 तो क्या आ गया 1/240 आ गया, ठीक है। सो ये आंसर आ गया, तो मेरा देख लेता हूँ मैं, ये 1 है 7 का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट, 8th क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। और राइट एंगल ट्राइंगल इतना है डिफरेंस बिटवीन द टू, बिल्कुल सिंपल है, आप करोगे इसे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगले के देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं। नाइन नंबर बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये तुमने किया होगा प्रोपोर्शन में अच्छे से, ठीक है। चलो फिर मैं बता देता हूँ, क्या लेट द नंबर भी एक्स एंड वाई मान लेते हैं। सॉल्यूशन 9, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, है ना। अब क्या दे रखा था उसमें, 45 दे रखा था सम, सो एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 45 मान लेते हैं, है ना। और उसके बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर मैं वाई इक्वल टू निकालूँ, वाई इक्वल टू 45 माइनस के एक्स हो जाएगा, है ना। इसी से ड्राइव कर लिया मैंने। अब उसमें क्या बोला है, कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन 18 है, मीन प्रोपोर्शन 18 है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई इक्वल टू 18 का स्क्वायर, ये हो रहा ना, यानी एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया मेरा 324 हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ उसको, यहाँ पर जो मैंने ध्यान दो एक्स वाई है, वाई की वैल्यू मैंने इतनी ले ली थी, तो मैं क्या कर यहाँ पर कर सकता हूँ, वाई की वैल्यू रख सकता हूँ, वाई की वैल्यू रख सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा मेरा एक्स 45 माइनस के एक्स इक्वल टू 324 हो गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 45x इक्वल टू 324 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फर्दर इसको मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 324 इक्वल टू, ओहो साइड ही चेंज हो रही है, बस कुछ नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0, ऊपर कर रहा हूँ गाइस मैं अभी यहाँ पे, है ना इसको। अब इसमें मुझे ना फैक्टर बनाने हैं, तो 45 के फैक्टर बना सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक सेकेंड 36 36 यस 36 और 9 गाइस 36 और 9 एकदम परफेक्ट बने हैं, 36 और प्लस के 9, 36 के 9 बाई मल्टीप्लाई करोगे ना तो 324 आएगा, यानी ये फैक्टर हमारे एकदम परफेक्ट हैं, है ना। प्लस के 324 इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36 क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस के 36 माइनस के 9 कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस के 36 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 9 आ गया और एक्स इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। सो मेरे आंसर्स क्या हो गए, 9 और 36, ठीक है। तो आंसर्स क्या हो गए, 9 और 36, यानी कि सी आंसर हो गया। 10 देख लेते हैं फटाफट, 10 में कह रहा है कि साइड दे रखी इतनी इतनी 12 13 14 दे रखी रेस्पेक्टली राइट एंगल इज फॉर्म साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपको बतानी है, ठीक है 10 नंबर में। चलो भाई बता देते हैं, सो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल बी एक्स, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी एक्स, ठीक है। सो न्यू साइड्स जो होंगी दूसरे उसकी जो घट के बनी है वो होंगी मेरी न्यू साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल्स विल बी एक्स माइनस 12, 12 दे रखा था ना, 12 13 14 12 13, तो दूसरा हो जाएगा क्या एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14। सो ऑफकोर्स इन सब में सबसे बड़ा जो होगा ये होगा लार्जेस्ट, ये होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट है, ये क्या है लार्जेस्ट है, तो इसी को यूज करते हैं। जब हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस, जो पाइथागोरस की प्रमेय है तो उसमें पता है ना आपको जो ये होता है, अगर हम ऐसे सॉरी ऐसे ऐसे ट्राइंगल बनाए तो ये बड़ा होता है, ठीक है, या ऐसे बनाए हम, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होता है, ये है ना पाइथागोरस की प्रमेय। तो ये तो बोलती है, क्या बोलती है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है।
तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यानी कि ये दोनों का स्क्वायर प्लस करके इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 13 का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 12 का स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सोल्व इट। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस के 169 एंड माइनस के 26x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 196 माइनस के 28x इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 144 माइनस के 24x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर है ना, और प्लस के ये और ये कितना हो गया मेरा 365 और माइनस के 54x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 144 माइनस के 24x, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 2x स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा, और उसको और इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा ये मेरा 221 और इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस के 30x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये आ गया मेरा, ये इक्वेशन बन गई कहीं ना कहीं, अगर मैं ऐसे बना दूं माइनस के 30x प्लस के 221 इक्वल टू जीरो, और इसके मैं फैक्टर बना सकता हूँ 17 13, यस। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 17 प्लस के 13 एक्स प्लस के 221 इक्वल टू इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 17x माइनस के 13x प्लस के 225 इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस के 17 माइनस के 13 कॉमन ले लिया एक्स माइनस के 17 बार जाएगा ना 17 इंटू 13 क्या ये 221 आ रहा है, हाँ 221 ही तो है गाइस, ठीक तो है, ठीक है। ये आ गया 17, दोनों हमारे ब्रैकेट इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया एक्स इक्वल टू माइनस के 17 और माइनस के 17 थोड़ी आएगा, एक्स माइनस 17 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 17 आएगा ना, और दूसरा आ रहा है एक्स माइनस के 13 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू 17, तो दो वैल्यू आई हमारे पास, एक 17 आई और एक 13। तो गाइस 13 तो आई नहीं सकती, रिमेंबर पीछे हमने 13 की एक ली थी, तो x माइनस 13 तो वो तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है x माइनस 13, तो ये तो आई नहीं सकती 13, तो वी विल रिजेक्ट इट एक्चुअली एंड वी विल टेक द अनदर वैल्यू दैट इज 17, ठीक है। सो वी नीड टू रिजेक्ट इट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, सो 17 इज पॉसिबल। हाँ चलो आंसर देख लेते हैं, हाँ सो ए आंसर हो गया इसका आपका, ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन था ना, सो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया 17 का आंसर हो गया आपका, वो 17 नहीं 10 का आंसर हो गया ए। अब हमारे दो क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट उनको सॉल्व कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस जो है 5000 है बोटल है इन इट्स स्टोर, इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन मंथ, फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन एट दैट डिमांड इतना इज गिवन बाय डी स्क्वायर इतना 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 प्राइस ऑफ द बोटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंटरी इज, ओके ओके ओके, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है सीधी सीधी, तो हम लिख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमें दिया हुआ 5000 इज इक्वल टू माइनस के 2000 पी स्क्वायर प्लस के 2000 पी प्लस के 17000। अब देखो ये 0 0 हटा देते हैं हम, भीड़ खत्म कर दें, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, ठीक है, है ना, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं माइनस के, इसको इधर ले आते हैं, तो ये जाएगा 2p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस के 17 प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस के कितने बचेगा 12 इक्वल टू 0, अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं हम p स्क्वायर माइनस के p माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस के p माइनस के 6 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लेंगे 3 2 6 3 में से 2 के 1 बचेगा,
सो इट विल बी पी स्क्वायर माइनस के थ्री माइनस के टू पी माइनस के सिक्स इक्वल टू जीरो. सो पी स्क्वायर माइनस के थ्री पी और प्लस के टू पी माइनस के सिक्स इक्वल टू जीरो. पी कॉमन ले लिया पी माइनस के थ्री प्लस के टू ले लिया पी माइनस के थ्री इक्वल टू जीरो. सो इट विल बी पी इक्वल टू माइनस के टू और पी इक्वल टू थ्री. तो नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं हम. नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई इन्वेंट्री जो है जो इन्वेंट्री है वो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है. भाई आपने कोई चीज़ ला करके रखी है तो जीरो तक हो सकती है. भाई सामान रखवाया आपने, सामान उठ के चला गया, जीरो हो गया, अब नेगेटिव थोड़ी ना होगा. नेगेटिव कैसे हो सकता है इन्वेंट्री? ठीक है यहाँ पे. सो इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड एंड दिस वैल्यू विल बी टेकन इक्वल टू थ्री. थ्री यानी कि इसका कितना हो गया हमारा, ए हो गया. टेल नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस. ओ भाई क्या हो रहा है ये, जस्ट ए मिनट. इरेशनल नंबर से रिलेटेड कह रहा है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लार्जर वन इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 12. टू नंबर्स आर इरेशनल नंबर. आपको पता है रूट वाले होते हैं. इरेशनल नंबर आपको पता है ना 17 है एंड देयर जो डिफरेंस है जो स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई किया 12. इट इज क्वाइट सिंपल है. अगर आप एनफ अटेंशन पे करें तो इसका ऑप्शन आपको देखेगा सी ऑप्शन होगा इसका. ठीक है गाइस. सो इसे करने की मैं जरूरत नहीं समझता. ठीक है. सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है. सो थैंक यू सो मच गाइज. तो प्लीज़ कमेंट करते रहें. पॉजिटिव कमेंट आपकी मुझे एनकरेज करती हैं वीडियो बनाने के लिए. और अगर आप को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें. सो एनीवे थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.